यीशु क्रूस पर मर गया। अब यरूशलेम में चेले डर गए थे। ऐसा लग रहा था कि यीशु को मारने वाले लोग उन्हें भी मारने आ रहे थे, इसलिए एक एक करके उन्होंने यरूशलेम छोड़ दिया। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम क्लियोपास था और एक और शिष्य था। वे यरूशलेम से निकले और लगभग 10 किलोमीटर दूर इम्माउस नामक स्थान पर गए। जब वे दोनों चल रहे थे तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए यीशु के बारे में बात की और पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था उसके बारे में भी। लेकिन फिर एक अजनबी आया और उनके साथ चलने लगा। अजनबी ने दोनों लोगों से बातें की। आपके चेहरों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हुआ है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप पहचान सकते हैं कि यह अजनबी कौन था? हाँ, यह यीशु था जो पुनर्जीवित हुआ था। हालांकि इन दोनों शिष्यों ने यीशु को तुरंत नहीं पहचाना। बाइबल कहती है कि उनकी आँखें ढकी हुई थी। क्लियोपास ने यीशु से कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी यरूशलेम से हो, क्या तुम नहीं जानते कि वहाँ क्या क्या हुआ? यीशु ने यह सवाल पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्लियोपास ने यीशु को नासरत के यीशु के बारे में एक कहानी सुनाई, क्रूस पर यीशु की मृत्यु की कहानी, तीसरे दिन कब्र से उसके गायब होने की कहानी और यह अफवाह कि वह जीवित हो गया है। कहानी सुनते समय यीशु ने उन्हें एक एक करके पुराने नियम में अपने बारे में दर्ज प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया। मूसा और दूसरे भविष्यवक्ताओं के लेखों में यीशु के बारे में क्या क्या लिखा है, और उसने कहा, जैसा कि बाइबल कहती है, मसीह को कठिन कष्टों से गुजरना चाहिए और अधिक महिमामय बनना चाहिए। जैसे ही वे इम्माउस पहुंचे, दोनों व्यक्तियों ने यीशु से बात की और कहा, शाम हो गई है, क्या आप हमारे साथ रहना चाहेंगे? यहूदी लोग आम तौर पर अजनबियों के साथ भोजन नहीं करते हैं, लेकिन धर्मोपदेश सुनने के रूप में वे उसके साथ और अधिक रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया जो वे सामान्य रूप से नहीं कर सकते थे। जब रात के खाने का समय हुआ तो यीशु ने रोटी ली, उसे आशीष दी, उसे तोड़ा और दोनों लोगों को दिया, और इस समय दोनों पुरुषों की आंखें जो ढकी हुई थी खुल गई। यीशु, उन्होंने जाना कि जिस व्यक्ति से वे बात कर रहे थे वह यीशु था, लेकिन उसी समय यीशु गायब हो गया। हालांकि वे दुखी या भयभीत महसूस नहीं कर रहे थे क्योंकि यीशु गायब हो गया था। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और कहा, जब यीशु ने सड़क पर हमसे बातें की तो हमारे दिलों में मानो आग लग गई हो। उन्होंने महसूस किया कि यीशु के शब्दों ने उन्हें गर्म कर दिया और उन्हें यीशु को सही ढंग से देखने में सक्षम बनाया, और वे बदल गए। वे यरूशलेम वापस आ गए जहां से वे डर के मारे भाग गए थे, और यीशु की कहानी सुनाई जब वे अन्य शिष्यों से मिले थे।